नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं छोटा सा स्वेटर लेकर आई हूँ, जो इसके साथ मैं हुड बनाऊंगी। ये मैंने नीचे से 60 फंदे डाल के थोड़ा डिज़ाइन डाला है और बाजू की कोई इसकी कटिंग नहीं की और आर्म होल की भी कटिंग नहीं की, सीधे सीधे मैंने जोड़ दिया। इतना मैंने बनाकर कोई कटिंग नहीं की, बिल्कुल सिंपल वैसे बनाकर जोड़ दिया और गले की कटिंग की है थोड़ी सी, और एक बटन होल बनाया मैंने। तो यहाँ से हम फंदे उठाकर पूरे और इसकी हम हुड बनाएंगे। पहले आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। ये डिज़ाइन है 3 सीधे 9 उल्टे, फिर 3 सीधे 9 उल्टे। ये देखो, ये मैंने फंदे वैसे डाले हैं, नाप के नहीं डाले। पहले फंदा हम उतार लेंगे, 1 2 3 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे करके फिर 3 फंदे हमारे सीधे। फिर 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे उल्टे आए। हमने डिजाइन ही आपको दिखाना है, इधर से हमारे जो उल्टे बुने थे इधर हमारे सीधे आ जाएंगे। ये 3 फंदे हमारे उल्टे और 9 फंदे हमारे सीधे। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे। सीधी सिलाई वही जैसे हमने पहले 3 फंदे सीधे, 9 फंदे हमारे उल्टे। फिर 3 फंदे हमारे सीधे। उल्टी सिलाई जो हमने उल्टे बुने थे वो सीधे हो जाएंगे, इधर जो सीधे वो उल्टे हो जाएंगे। ये 9 फंदे हमारे फिर इधर सीधे, जो हमने इधर सीधे 3 फंदे बुने थे वो इधर उल्टे हो जाएंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5, ये उल्टी तरफ से आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ हमने डाल ली। अब उल्टी सिलाई हमारे हमने क्या करना है ध्यान से देखो, उल्टी सिलाई में हमने सारी सिलाई उल्टी ही करनी है, पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। जो सीधे बने हैं वो भी उल्टे, जो उल्टे बने हैं वो भी, सारी सिलाई उल्टी ही पड़ेगी। पूरी सिलाई उल्टी जाएगी।
अब हमने डिजाइन चेंज करना है। पहले हमारे चार सीधे, तीन सीधे इधर थे ना, अब हमारे पहले उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार पांच और छ। अब तीन फंदे हमारे यहाँ सीधे आ जाएंगे, एक दो और तीन, फिर हमारे नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ। ये देखो, ये तीन आ गए, इधर नौ आ गए। जो सीधे फंदे हमारे आने हैं ना, सीधे फंदे के जो हमने नौ फंदे जब डाले हैं ना, इसमें तीन फंदे हमारे इधर से उल्टे हो जाएंगे, तीन फंदे इधर से उल्टे हो जाएंगे, बीच वाले हमारे तीन वो हो जाएंगे, नौ फंदे हमारे ऐसे उल्टे हो जाएंगे। देखो नौ फंदे, ये देखो नौ फंदे हमारे उल्टे, फिर तीन फंदे सीधे, ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाएंगे। ये देखो, फिर इधर से हमारे नौ फंदे हमारे सीधे, एक सिलाई सिर्फ सीधी डालनी है आपने, चार पांच सिलाई करने के बाद छठी सिलाई हमने पूरी उल्टी कर देनी है। सिक्स सिलाई हमने उल्टी करनी है, ये तीन उल्टे, छह हमारे फंदे सीधे। स्टार्टिंग में हमारे छह आएंगे, बाद में हमारे नौ ही आएंगे। जी देखो, अपने हमने ये पांच करनी है, एक दो हो गई, तीन और करनी है, पांच सिलाइयां सीधी सिलाई है, पहले उल्टे आएंगे, छह फंदे हमारे, तीन सीधे, फिर उल्टे नौ फंदे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, नाइन फंदे, फिर दो सीधे आ गए, एक दो तीन हो गई, ये हमारे सीधे आएंगे नौ फंदे, तीन उल्टे, फिर हमारे छह फंदे सीधे, सीधी सिलाई, फिर हमारे नौ फंदे छह फंदे उल्टे, तीन सीधे, नौ फंदे फिर उल्टे, ये देखो एक दो तीन चार पांच हो गए। अब हमारी छठी सिलाई में, सिक्स सिलाई में हमने सारी सिलाई उल्टी करनी है, पूरी सिलाई हमारी उल्टी जानी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना।
जी देखो, जब हम उल्टी सिलाई डालते हैं उससे ऐसे हमारा उभरा उभरा सा आ जाता है, पीछे से ऐसे आएगा, आगे से ऐसे। चलो अब आपको हम यहां से फंदे उठाना दिखाते हैं। ये छोटे बच्चे का है इसलिए हम ज्यादा फंदे नहीं उठाएंगे, 12 13 13 फंदे हम यहां से उठाएंगे, कुल फंदे हम 50 उठाएंगे पूरे स्वेटर में, पूरे कैप में। एक, आप चाहो तो पीछे वाले फंदे बंद मत करो, वैसे उठा लो, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा साथ ही एक बार उठा लूंगी। एक दो, हर फली में हमने फंदा उठाना, तीन चार पांच छः, जहाँ हमने बटन पट्टी भी बनाई थी ना, जो 6 फंदों की मेरी बटन पट्टी थी, 6 फंदे तो हमने यही वाले उठा ले। एक दो तीन चार पांच छः सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 फंदे हमने आगे इधर से उठाए और 6 हमारे ये पटन पट्टी के थे। अब 20 फंदे हमने पीछे से उठाने हैं। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, आप चाहो तो सिलाई दूसरी भी ले सकते हो, ये वाली भी, 14, क्योंकि एक सिलाई से बुना नहीं जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19 और 20।
20 फंदे हमारे पीछे वाले आ गए। फिर हमने इधर से 12 एक तो 6 पट्टी के 15 फंदे इधर से उठाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये हमारे 15। अब हम सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनेंगे। ये हमारे कितने फंदे हो गए, 15 इधर से सॉरी 15 इधर 30 30 से 20 पीछे वाले 50। अब हम यहाँ से सीधे सीधे सिलाइयाँ ही चढ़ाएंगे। कोई डिज़ाइन नहीं डालना, बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी सिलाइयाँ। जो आपको कम लगे तो एक फंदा भी ऐसे ऐसे बीच में भी उठा सकते हो ऐसे। वैसे 50 फंदे बच्चे के लिए बहुत है। गोल सिलाई में आप बनाओगे तो आपका पूरा एक सिलाई में ही बन जाएगा। राउंड सिलाई से भी पूरा आपका एक सिलाई में ही बन जाएगा, नहीं तो 3 सिलाइयां लगानी पड़ेगी। बस ऐसे आपने पूरा सीधा सीधा बुनते जाओ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। ये देखो मैंने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी चढ़ा ली है। अब हमने जहाँ बटन पट्टी के फंदे थे हमने ना
बंद कर देने हैं। एक दो तीन चार और पांच, फाइव फंदे हमने बंद कर देने क्योंकि यहां से बच्चे का गला तो मुश्किल से कैप डलेगी। बाकी फंदे हम ये हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस फंदे हमारे इधर है, इक्कीस फंदे हम इधर रखेंगे पांच फंदे छोड़ के। और ये सेंटर में हमने फंदा रखा, एक मैंने फंदा इसके हमने दोनों तरफ से फंदा हमने बढ़ाना है। वो कैसे, ये देखो जहाँ से उठाकर पीछे से ऐसे बुना लेंगे जहाँ जाली ना पड़े। फिर हमने जो फंदा बुन लिया, फिर यहाँ से फंदा उठाया पीछे से ऐसे बुन लिया। जहाँ फिर आप निशान लगा लेंगे, अब हम इधर भी पांच फंदे बंद कर देंगे। एक दो तीन चार और पांच, इधर से हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, उल्टी तरफ से सीधी तरफ से हमने एक दोनों तरफ से एक फंदा बढ़ाते जाना। आप कोई भी निशान लगा लो, धागा से भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। जो छोटे बच्चे की बना रहे हैं, बड़े की बनानी हो तो आप ज़्यादा फंदे उठाएंगे, तो हमने छोटे बच्चे की बनाई है इसलिए कम फंदे उठाए हैं।
सीधी सिलाई। सीधी हर सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। दो फंदे हमने हर सिलाई में बढ़ाने हैं। जहां से उठाएंगे आपने ऐसे बढ़ा लो, चाहे आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो ऐसे, तो यहां से ऐसे बढ़ाकर पीछे से ऐसे इस फंदे से दोनों तरफ से आपने एक फंदा बढ़ाते जाना। 10 बार फंदा मैं ऐसे बढ़ाऊंगी। उसके बाद प्लेन बुनेंगे। उल्टी तरफ से आपने कुछ नहीं करना, सीधी तरफ से आपने दोनों तरफ से एक फंदा बढ़ाते जाना। ये देखो ऐसे आप बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने जहाँ फंदे हमने बढ़ाए थे ना, ये मैंने 12 बारी फंदे बढ़ाए हैं। 12 सिलाइयों में हमने ये फंदे बढ़ाए हैं। उसके आगे हमने बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा बुन दिया। ये मैंने नौ इंच की हमने ये कैप बनाई है। अब हम दोनों फंदों को आधे आधे करके, या तो आप ऐसे सिलाई में ऐसे सी दोगे, नहीं तो आप सुई से भी सी सकते हो। सुई में सीने के लिए आपको धागा का पता नहीं चलता कितनी बार कितना लगाना। ये देखो ऐसे इतना आप काट लो। आप चाहे तो सिलाई के साथ ऐसे सी सकते हो, नहीं तो आप सुई के साथ ऐसे सीना। देखो पहले फंदा हमने ये निकाल देना। जो ऐसे फंदा करना ये हमने निकाल देना, ये वाला हमने नहीं निकालना। इसी तरह इधर ऐसे आप पूरा बंद कर लोगे।
आपको मुश्किल लगे तो आप सिलाई से भी कर सकते हैं। ऐसे आप पूरा कर लो। यहाँ से हम इसको पूरा बंद कर देंगे टाइट थोड़ा सा। ये देखो जहाँ हमारा बटन लग जाएगा ये पूरा बनके हुड बनके पूरा तैयार हो गया। ये 1 साल के बच्चे के लिए है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।